Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new images, a comprehensive course in English for class 6th, 5th edition, chapter 3. The name of the chapter is The Unstoppable Queen of Boxing, MC Mary com The word for today is Bouts. Boxing or wrestling. matches that range from 3 to 12 rounds. Each round usually lasts 3 minutes. तीन तीन minutes के round होते हैं match के, boxing के भी होते हैं, wrestling के भी होते हैं. तो ऐसे matches 3 rounds से लेकर 12 rounds तक हो सकते हैं. इन्हीं को हम लोग bouts कहते हैं. And the other cross connect to this एक और bout होता है, जिसका meaning होता है short periods during which a lot of a particular thing happens. एक ऐसा time period जिसके बीच में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं For example, regular exercise is better than infrequent bouts of arduous activity. अगर आप regularly exercise मतलब exercise एक ही चीज़ कर रहे हो आप regularly तो आपकी body के लिए ज़्यादा better रहता है और अगर आप daily अलग अलग चीज़ें करोगे तो शायद आपकी बॉडी के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा बाउट्स कैन ऑल्सो मीन अटैक्स और पीरियड्स ऑफ इलनेस बाउट्स का एक और मीनिंग होता है अटैक्स या फिर एक ऐसा टाइम पीरियड जब आप बीमार होते हो वी कैन से दैट अ पर्सन सफर्ड अ सीरियस बाउट ऑफ फ्लू लास्ट ईयर यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल में दिया कि एक ऐसा पर्सन है जैसे लास्ट ईयर उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो हमने उसे बोलिया दट ही सफर्ड अ सीरियस बाउट ऑफ फ्लू लास्ट ईयर उसको लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा सीरियस तरीके से फ्लू हो गया था तो इसके लिए भी हम लोग बाउट का यूज़ कर सकते हैं बट इन दिस चैप्टर हम लोग मैच के लिए ही बाउट का यूज़ करने वाले हैं लेटस रीड अबाउट एम सी मेरी कॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सनस इन इंडिया नाउ शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन बिकॉज ये स्पोर्ट्स खेलती हैं जुलाई जुलाई 2012. अब बात हो रही है जुलाई के मंथ की ईयर है 2012. थाउजेंड ट्वेल्व आई वॉज़ ऑन अ फ्लाइट टू लंडन एम सी मेरे कॉम एक फ्लाइट में थी और फ्लाइट लंडन जा रही थी फॉर ईयर्स आई है ड्रीमड ऑफ दिस मोवमेंट फॉर मंथ्स आई हैव थाट ऑफ नथिंग एल्स काफ़ी सालों तक इन्होंने इसी मौके का सपना देखा था काफ़ी महीनों से ये सिर्फ यही चीज़ के बारे में सोच रही थी और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी Yet आई did नॉट फुली नो वॉट टू एक्सपेक्ट अभी भी इनको ये नहीं पता था कि इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है आई कॉल्ड माई हजबेंड एंड सन्स ऑन लर एज ऑलवेज स्पोक वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट एंड अश्योरेंस इन्होंने एक कॉल लगाया अपने हस्बैंड को अपने बेटों को ऑनलर इनके हस्बैंड का नाम है हमेशा की तरह उन्होंने इनको एनकरेजमेंट किया इनको कन्विंस किया मोटिवेट किया एंड अश्योरेंस दिया अश्योरेंस मीन्स कन्वेइंग अ फीलिंग दैट समथिंग विल सर्टनली हैपन हम लोग कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं मॉर्निंग में तो डर जाते हैं तो हमारे मदर फादर हमें बोलते हैं अच्छे से पेपर होगा कॉन्फिडेंस के साथ जाओ सब ठीक होगा सो दिस इज़ एन अश्योरेंस जो कि हम किसी को देते हैं माई सन्स डिमांडेड टू नो वेयर आई वॉज देन कमांडेड मी टू कम बैक सून विद लॉट्स ऑफ गुडीज अब इनके बच्चों ने पहले तो डिमांड किया और ये पूछा कि वो कहाँ पर हैं उसके बाद उन्हें एक ऑर्डर भी दे दिया कि जब आप वापस आए तो हमारे लिए बहुत सारे प्रेजेंस लेकर आना आई क्लोज माई आईज एंड प्रेड एम सी ने अपनी आंखें बंद करी और भगवान से प्रेयर करना स्टार्ट किया एज द प्लेन टेक ऑफ आई थॉट ऑफ रेंग पा एंड नाइनाइ अब जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया इन्हें रेंगपा की याद आई और नाई की याद आई डीप इन माई हार्ट आई न्यू What the best gift for them would be, and resolved once again that I would do all I could to bring it home. MC Merikom ku patadha, Unke heart ke under uni ye feeling pehle se hiti ke apne bachu ke liye, consa gift hoga jo subse best subse achahoga. They might not understand what it was all about, but one day when they grew up, दे वुड अब एम सी मेरे के जो बच्चे थे उस टाइम पे छोटे थे तो शायद उस टाइम पर उनको वैल्यू समझ में नहीं आएगी चीज़ों की लेकिन उन्हें एक श्योरिटी थी कि जैसे जिस दिन ये बड़े होंगे उस दिन ये ज़रूर समझेंगे एंड दे वुड अंडरस्टैंड वाई दे मदर वॉज मिसिंग इन एक्शन सो ऑफन इन देअर चाइल्ड हुड ईयर्स और जैसे वो बड़े होंगे उनको चीज़ें समझ आएगी तो उन्हें ये भी खुद ही से समझ आ जाएगा क्यों उनकी मम्मी उनके साथ नहीं थी क्यों बार बार वो बाहर चली जाती थी क्यों उनके साथ नहीं रह पाती थी कंटिन्यूसली एट हार्ट थ्रू आई फेल्ट एज इफ आई वर अ मेटाडोर फेसिंग एन एंग्री रैम बुल अब इनको कभी कभी तो लगता था कि ये एक मेटाडोर है मेटाडोर एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बुल के साथ लड़ाई करता है बुल फाइट में और ये एक एंग्री रैम बुल को फेस कर रहा है रैम्पेजिंग इज अ वाइलेंट और रेकलेस व अगर एक वुल देखा हो तो बुल जब लड़ाई करता है ना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है तो इसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये वो इंसान है जो कि एक एंग्री बुल से लड़ने वाली है दे वो पोस्टर्स एडवरटाइजिंग द गेम्स एवरीवेयर एंड आई कुड फील माई स्टमक फ्ल्टरिंग विद एक्साइटमेंट एंड एंटिसपेशन अब एम सी मेरे कॉम को ये तो पता था हर जगह एडवर्टिजमेंट्स हो रहे हैं हर जगह गेम्स के पोस्टर्स लगे हैं और उनको देख देख के इनके माइंड में इनके हार्ट में नर्वसनेस भी होती थी एक्साइटमेंट भी होता था एक ईगरनेस होती थी आप जब पहले से वेट करते हो कोई चीज़ कि आने वाले टाइम पर ये होने वाली है आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो पेट में बटरफ्लाइज और चूहे दौड़ने लग जाते हैं मान लीजिए आपका कल बर्थडे है आपको पता है पेरेंट्स सरप्राइज़ देने वाले हैं आपको आप कितने ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएंगे एक्साइटेड हो जाएंगे उस टाइम पे तो सेम एम सी मेरी कॉम भी वैसा ही फील कर रही थी द डेज बिफोर द ओलंपिक्स वर डिवोटेड टू ट्रेनिंग एंड रेस्ट मीडिया पर्सनस वर नॉट अलाउड टू मीट मी ओलंपिक स्टार्ट होने के काफ़ी दिनों पहले से ही इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी तो किसी भी मीडिया पर्सन को इनसे मिलने नहीं दिया जाता था इवन कॉल्स फ्रॉम माई फैमिली वर रेस्ट्रिक्टेड टू कीप मी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड वरी इन लोगों को मीडिया पर्सन से तो मिलने नहीं दिया जाता था साथ ही में इनको इनकी फैमिली के कॉल्स लेने से भी रोक दिया जाता था ये वहाँ का रूल है लॉ है क्योंकि लोगों का मानना था इनको इस टाइम पर ओलंपिक्स पे कंसंट्रेट करना है अपनी माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है टेंशन फ्री रखना है आई स्पेंड टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन अब मेरे कॉम को अपनी फैमिली से बात नहीं करने दे रहे हैं मीडिया पर्सन से बात नहीं करने दे रहे हैं तो ये ट्रेनिंग से बचे हुए टाइम पे प्रेयर करती थी और मेडिटेट करती थी आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ गॉड इज़ फॉर आस वू कैन बी अगेंस्ट आस मैरी कॉम हमेशा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ ज़रूर कहती थी खुद से कि अगर मेरे साथ भगवान है तो फिर मेरे अगेंस्ट को, कोई भी नहीं रह सकता कोई भी टिक नहीं सकता मेरे अगेंस्ट अगर मेरे सपोर्ट में भगवान है तो अ फ्यू डेज बिफोर द वुमेंस बॉक्सिंग इवेंट्स वॉट बिगिन आई मूव टू द ओलंपिक गेम्स विलेज टू स्टे विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट अब जैसे ही ओलंपिक स्टार्ट होने वाले थे कुछ दिनों पहले ये वुमेन बॉक्सिंग इवेंट्स के यहाँ पे जिस विलेज में ओलंपिक गेम्स होते हैं उस विलेज में ये अपने बाकी के इंडियन कॉन्टेंजेंट्स के साथ कॉन्टेंजेंट्स आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम द सेम प्लेस तो ओलंपिक्स तो एक ऐसा गेम होता है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड से अलग अलग प्लेयर्स आते हैं कुछ इंडिया के भी थे तो ये इंडियंस के साथ जाकर बैठ गई वहीं रहने लग गई ये द वुमेन्स बॉक्सिंग बाउट्स वर टू बी हेल्प टूवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम्स जैसे ही ओलंपिक गेम्स खत्म होने वाले थे एंड के टाइम पर वुमेन्स के बाउट्स थे बाउट्स यानी के राउंड्स हमने अभी अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था आई ट्राई टू रिलैक्स एंड प्रिजर्व माई एनर्जी एंड प्रैक्टिस अ लिटल बाय माई सेल्फ इन द मॉर्निंग एंड ईवनिंग अब जब ये अपने ओलंपिक गेम्स विलेज में थी तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट किया रिलैक्स किया अपनी एनर्जी को सेव करके रखा और मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में खुद ही से ये थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती थी अ डे बिफोर माई फर्स्ट बाउट माई हजबेंड एंड मदर आर आई डिल लंडन लीव द ट्विन्स इन द केयर ऑफ सेम्पी ऑन सिस्टर एंड अदर रेलेटिवस जिस दिन मैरी कॉम का पहला राउंड होने वाला था उसके एक दिन पहले इनके हस्बैंड ऑनलर और इनकी मदर लंदन आ गई और इनके जो ट्विंस बेटे थे वो सिम्पी के पास थे अब ये सिम्पी कौन है ये ऑनलर की सिस्टर है और बाकी रिलेटिव्स की केयर में इन्होंने अपनी दोनों बच्चों को छोड़ दिया था और ये मैरी कॉम को चीयर करने यहाँ पर आ गए थे ऑल देयर होटल वॉज क्वाइट सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज आई मैनेज टू मीट दैम अब जिस विलेज में एम सी मेरी कॉम थी वहाँ पर होटल्स में ये लोग नहीं थे थोड़े डिस्टेंस पर दूसरे होटल में थे डिस्टेंस ज़्यादा था फिर भी मेरीकॉम ने टाइम निकाला और इनसे मिलने आ गई द वेरी साइट ऑफ डेम सेट माई स्पिरिट सोरिंग दिया प्रेजेंस डेड वनडर्स फॉर माई कॉन्फिडेंस एज आई प्रिपेयर फॉर माई फर्स्ट फाइट द फॉलोइंग डे आई वॉज़ रेडी फॉर एक्शन जैसे ही मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड को देखा अपनी मदर को देखा उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था शी वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड इसका हेल्प जो थी इस कॉन्फिडेंस से उनको नेक्स्ट डे काफ़ी हेल्प मिलने वाली थी और वो बिल्कुल एक्शन में जाने के लिए रेडी थी बिफोर माई फर्स्ट बाउट आई कॉल ट फादर टू से अपा प्लीज प्रे फॉर मी आई हैव टू प्ले टूडे जैसे इनका फर्स्ट मैच स्टार्ट होने वाला था फर्स्ट राउंड उससे पहले इन्होंने अपने फादर को कॉल करके बोला अब मेरे लिए प्रेयर करना मेरा पहला मैच आज शुरू होने वाला है ही अ शॉर्ट मी डोंट वरी आई एम ऑलवेज प्रेंग फॉर यू फादर ने बोला तुम बिल्कुल टेंशन मत लो मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए प्रेयर करता ही हूँ सना हैन आई एम कॉन्फिडेंट यू विल नॉट कम बैक एम हैंडेड इनके फादर ने बोला मुझे तुम पर पूरा विश्वास है तुम खाली हाथ वापस नहीं आओगी मे गॉड ब्लेस यू अबांडेंटली भगवान तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे माई फर्स्ट बाउट ऑन फिफ्टीन फिफ्थ ऑगस्ट वॉज अगेंस्ट कैरोलिना मेशलकस ऑफ पोलैंड इनका पहला मैच पोलैंड के कैरोलिना के अगेंस्ट था मैच की डेट भी इनको याद है फिफ्थ ऑफ ऑगस्ट इट वॉज़ अ स्पेशल डे फॉर मी द बर्थ डे ऑफ माई ट्विंस अब ये फिफ्थ ऑगस्ट मैरीकॉम के लिए स्पेशल डे इसलिए था बिकॉज़ इस दिन इनके ट्विंस का बर्थडे भी था इट वॉज़ अन्स्पेशियस डे फॉर माई इनागरल एंट्री टू द ओलम्पिक्स मैरीकॉम का मानना है कि ये उनके लिए एक ऑस्पेशियस डे है एक सक्सेसफुल एक लकी डे है अपना मैच को स्टार्ट करने का एक न्यू बिगनिंग का आई वॉज़ कन्विंस्ड दैट नथिंग बुट गो रोंग मैरी कॉम को पूरा भरोसा था कि आज कुछ गलत नहीं होगा सो आई क्वेल्ट माई नर्वसनेस एट द वस्टनेस ऑफ द स्टेज दिस वॉज द ओलम्पिक्स आफ्टर ऑल मैरी कॉम ने अपनी नर्वस होने वाली फीलिंग्स को थोड़ा साइड में रखा अपनी बॉडी में एनर्जी लेकर आई बिकॉज आज सामने ओलम्पिक्स का स्टेज था आई रिकेंट माई कंपोजर एंड आस्ट माई सेल्फ वाई आई नीड टू बी अफ्रेड इन्होंने अपने आप को शांत करते हुए खुद ही से पूछा कि मुझे इतना डर किस चीज़ का लग रहा है मुझे तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए माई ऑपोनेंट्स लाइक मी वुड हैव टू हैंड्स टू फीट एंड टू आइज़ अब मैरी कॉम खुद ही को समझा रही है कि एक इंसान से कैसा डरना मेरा जो ऑपोनेंट है मैं जिससे फाइट करने वाली हूँ उसके पास भी दो हाथ हैं दो पैर हैं दो आँखें हैं एज बिफोर एवरी अदर बाउट आई रिपीटेड माई मैजिक मंत्रा आई मस्ट विन दिस बाउट आई मस्ट विन आई मस्ट विन हर मैच के पहले मैरी कॉम अपने माइंड में कंटिन्यूसली बोलती हैं मुझे आज जीतना है जीतना ही है जीतना ही है विद डैट साइलेंट प्रेयर आई टर्न टू माई ऑपनेंट और बस इसी प्रेयर के साथ ये अपनी ओपोनेंट के साथ लड़ाई और उस फाइट के लिए रेडी होकर पहुंच गई शी टर्नड आउट टू बी वेरी स्ट्रोंग कुछ ही टाइम में मेरी कॉम को पता लगा कि ये तो काफ़ी स्ट्रोंग है इट वॉज लाइक हिटिंग अ कॉन्क्रीट वॉल मेरी कॉम जितनी बार उसको मारने की कोशिश कर रही है पंचेस कर रही है उसको ऐसा लग रहा है जैसे दीवार पर अपना हाथ मार रही है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग थी सामने वाली कॉट अनअवेयर एट वन पॉइंट आई लॉस्ट माई फुटिंग एंड फेल अब ये सारी चीज़ें जब मैरी कॉम के माइंड में चल रही थी एक मिनट के लिए उनका ध्यान इधर से उधर हो गया और वो नीचे गिर गईं बट शी लैक्ड टेक्निक आई यूज स्किल एंड टैक्टिक्स एंड री अपॉन माई एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग सच स्ट्रॉन्ग बट ड्रॉ बॉक्सर्स टू काउंटर हर अटैक्स अब जो कैरोन थी कैरोलिना वैसे तो स्ट्रांग थी लेकिन वो थोड़ी सी रॉ थी अभी उन्हें प्रॉपर टेक्निक्स नहीं पता था तो मैरी कॉम ने ये चीज़ एनालाइज कर ली कि कैरोलिना को टेक्निक्स नहीं पता और इन्होंने फिर उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया आई फ्लंग हुक्स एट हर हेड एंड एम टीड एवरी बिट ऑफ रिजर्व स्टैमिना आई हैड बट वंद अबाउट डेसेसिवली नाइनटीन टू फोर इन्होंने हुक्स इनके हेड पर मारना स्टार्ट करा जितना स्टैमिना इनके अंदर था जितनी स्ट्रेंथ इनके अंदर थी इतने टाइम से जो स्ट्रेंथ इन्होंने बचा के रखी थी वो सारी स्ट्रेंथ इन्होंने लगा दिया और ये जीत गई नाइनटीन इनका रन था और उधर फोर्थ स्कोर था तो बेसिकली ये अच्छे स्कोर के साथ जीत गई थी आई टू द इंडियन मीडिया दैट हेट गैदर्ड देर दैट हिज फर्स्ट मेन वॉज अ गिफ्ट माई सन्स इट वॉज द फर्स्ट हॉर्डल क्रॉस्ड वहाँ पर जितनी भी इंडियन मीडिया थी मैरी कॉम ने उन्हें बताया कि उनका जीत का ये जो गिफ्ट है ये उनकी दोनों बच्चों को जाता है और उन्हें उन्होंने अपने रास्ते का जो पहला हॉडल था पहला ऑब्स्टिकल पहली प्रॉब्लम पहली डिफिकल्टी को क्रॉस कर लिया है माई सेकेंड बाउट ऑन सिक्स ऑफ ऑगस्ट अगेंस्ट मारोआर राहेली ऑफ टूनिशिया वॉज रिलेटिवली ईजियर फिफ्थ ऑगस्ट को पहला मैच स्टार्ट हुआ सिक्स ऑगस्त को इनका सेकेंड बाउट था लेकिन वो फर्स्ट वाले के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा ईजियर था आई स्टार्ट ऑफ ऑन द डिफेंसिव इन द फस्ट टू राउंड्स बट वन दम ऑल द सेम इन्होंने एक डिफेंसिव टेक्निक अपनाई और पहले दो राउंडस इन्होंने जीत लिए In the third round, I bounced back, going back to my bob 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 style. I'm sure Raheli was taken aback at the sudden change in pace. I won the bout 15 to 6. Starting ke do round mein Mary Com kafi defensive mood mein khel rahi thi. Lekin third round mein inhone attack karna start kara. और राहली बिल्कुल confused हो गई कि starting से जो डिफेंस में खेल रहा है एकदम से वो attack कैसे कर रहा है और जितनी देर में वो समझ पाती मेरी कॉम ने जीत लिया था वो वाला मैच भी आई हैड रीच द सेमीफिनल्स फाइनल्स नॉट ओनली वॉज आई अ स्टेप क्लोजर टू द फाइनल्स आई वॉज ऑल्सो नाउ अ शॉर्ट ऑफ अ मेडल अब ये सेमी में पहुंच चुकी हैं एक स्टेप क्लोज था और फाइनल्स ये जीत सकती थी इफ़ नथिंग एल्स आई वुड रिटर्न होम विद अ ब्रोंस मेडल ये तो गारंटी थी कि अब चाहे कोई मैच जीते ना जीते एक ब्रोंज मेडल लेकर तो ये इंडिया ज़रूर जाने वाली है यस आई वॉन्टेड गोल्ड बट लीस्ट लाइक माई फादर हैड प्रोडिक्टेड आई वुड नॉट रिटर्न एमटी हैंडेड अब जब भी हम मैच खेलते हैं कोई सा भी मैच खेलते हैं सब जीतना चाहते हैं जीतना ये भी चाहती थी गोल्ड मेडल लेना ये भी चाहती थी लेकिन एटलीस्ट ये इतनी तो सेटिस्फाइड थी कि जो इनके फादर ने पहले प्रडिक्शन किया था कि तुम खाली हाथ तो वापस नहीं आओगी एटलीस्ट वो चीज़ तो पूरी हो गई गोल्ड मिले या नहीं मिले वो तो बात की बात है लेकिन एक ब्रॉन्ज मेडल तो फिक्स हो गया मेरे लिए विद ओनली अ डे ऑफ रेस्ट आई वॉज़ अप अगेंस्ट एडम्स ऑन एट्थ ऑफ ऑगस्त सेवेंथ ऑगस्ट का इन लोगों को रेस्ट मिला था और एट्थ ऑगस्ट का इनका दोबारा से एक मैच था Remember that it was Adams who had beaten me in the qualifiers. Qualifiers are the matches Johamluk a competition may enter Hunikili Katehe To ye Adams Wahi Marycom qualifiers mein hi hara tha. She was bigger and stronger than me, having worked her way down from a higher weight category to fight in the fifty one KG class. अब एडम्स ने क्या टेक्निक अपनाई थी जब भी बॉक्सिंग होती है तो वो वेट, वेट के अकॉर्डिंग होती है तो इन्होंने एडम्स ने अपना वेट कम करा और फिफ्टी वन के जी क्लास वाली कैटेगरी में आई और यहाँ पर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी आई हैड प्लेड अगेंस्ट हर एंड न्यू दैट शी हैड द एडवांटेज ऑफ हाइट अब क्योंकि एडम की हाइट अच्छी थी मैरी कॉम की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी तो उनके पास एक एडवांटेज तो ऑलरेडी था पहले से ही हर रीच वॉज मच बेटर देन माइंड वो ज़्यादा अच्छे से अपने पंचर्स को होल्ड कर सकती थी बींग द shorter, स्मॉलर बॉक्सर आई डिड मोस्ट ऑफ़ द अटैकिंग बट ट्राई एज आई माइट आई कुड नॉट गेट क्लोज इनफ टू हिट अब ये कॉम हाइट में थोड़ी छोटी थी और शॉर्टर स्मॉलर होने की वजह से इन्होंने अटैक करने का बहुत कोशिश करा लेकिन ये हिट नहीं कर पा रही थी प्रॉपर तरीके से मेंटली आई वॉज इन गुड स्पिरिट्स एंड नॉट अफ्रेड टू फेस हर बट फिजिकली आई वॉज नॉट इन माई बेस्ट फॉर्म मेंटल तरीके से तो ये कॉन्फिडेंट थी डर नहीं लग रहा था इनको ये ठीक ठीक है ठीक है मैं फेस कर लूँगी लेकिन फ़िजिकल तरीके से इनकी बॉडी में उतनी एनर्जी ही नहीं थी द फर्स्ट बाउट अगेंस्ट कैरोलिना हैड टेकन अटॉल ऑन मी अभी भी जो कैरोलिना के साथ मैच हुआ था सारा स्टैमिना तो इन्होंने वहीं लगा दिया था तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन थी इनकी माय बॉडी फेल्ट टाइट एंड स्टिफ जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं मेरीकॉम की बॉडी भी काफ़ी टाइट फील हो रही थी माई मूवमेंट्स एंड माई फीट वर स्लोअर देन यूजल जितना हम थक जाते हैं तब हमारी जो स्पीड होती है वैसे ही मेरीकॉम के साथ भी हो रहा था जो इनके मूवमेंट्स थे पंचर्स थे इनकी फीट थी वो नॉर्मल डे से थोड़ा सा स्लो थी आई फॉट डेस्परेटली बट शी वन इलेवन टू सिक्स मैरी कॉम ने लड़ाई तो करी लेकिन फिर भी ये हार गई आई वॉज डेवास्टेटेड बट आई ऑल्सो न्यू दैट आई कुड नॉट हैव ट्राइड हार्डर दैट आई हैड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नड एम मैरी कॉम वॉजा डेवास्टेटेड वेरी अपसेट सेट शॉकड बिकॉज ये हार गई थी लेकिन इनको एक चीज़ का सेटिस्फेक्शन ज़रूर था इन्होंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया है और इन्होंने कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा जितनी मेहनत ये कर सकती थी जितना कॉन्फिडेंस स्टेमिना एनर्जी ये लगा सकती थी उतना इन्होंने लगाया था आई हैड गिवन इट माई बेस्ट इनका जो बेस्ट था इन्होंने वो दिया था एज़ फार एज़ आई वॉज़ कंसर्न I had been honest with myself. I could not have done more. Mary मैरीकॉम को खुद से ये चीज़ तो पता थी जितना ये डिजर्व करती थी उतना इनको मिला इससे ज़्यादा तो शायद ये डिज़र्व अभी नहीं करती थी As I left the hall, the spectators gave me a standing ovation. Spectators are the audiences. जैसे ही मेरी कॉम ने हॉल छोड़ा सारे audiences ने इनको एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया खड़े होकर सबने इनके लिए क्लैपिंग किया आई वॉज हम्बल्ड एंड मूव्ड मैरीकॉम को काफ़ी अच्छा लगा आई लेफ्ट नोइंग दट आई वुड ऑलवेज रिमेंबर दीज थ्री बाउट्स बट द कर्टन्स हैड कम डाउन ऑन माई ओलंपिक रन मैरीकॉम को ये तीन बाउट हमेशा याद रहने वाले थे लेकिन ओलंपिक्स तो खत्म हो गए थे आई रियली वॉज सॉरी आफ्टर ऑल द एफर्ट दैट हैड बीन एक्सपेंडेड ऑन मी आई फेल्ट आई ओट द कंट्री मोर देन अ ब्रॉन्स जितनी मेहनत इन पर लगी थी जितना टाइम एनर्जी और मनी इन पर लगाई गई थी इनको ऐसा लगता था जैसे मुझे कंट्री को ब्रों से ज़्यादा तो कुछ देना ही चाहिए था आई कॉल्स माई फादर एंड ब्रोक डाउन ऑन द फोन इन्होंने अपने फादर को कॉल करा और बस ये टूट गई ये अपसेट तो थी ही वॉज़ क्वाइट फॉर अ वाइल्ड दैन सेट लुक माई डॉटर द गोल्ड इज़ नॉट योर बर्थ राइट अब थोड़ी देर के लिए तो इनके फादर बिल्कुल शांत थे मेरे कॉम को उन्होंने बोल नहीं दिया जो वो बोलना चाहती थी उसके बाद उन्होंने समझाना शुरू करा कि गोल्ड तुम्हारा बर्थ राइट नहीं है बर्थ राइट यानी कि तुम सिर्फ गोल्ड लेने के लिए पैदा नहीं हुई हो गॉड केव यू वॉट यू डिज़र्व तुम्हें जो मिलना चाहिए था तुम जो डिज़र्व करती थी भगवान ने तुम्हें वो दे दिया है आई एम वेरी हैप्पी यू गॉट एन ओलंपिक मेडल टू नॉट बी डिस्करेज देर विल बी अदर टाइम्स बी थैंकफुल फॉर वॉट यू गॉट उनके फादर ने इन्हें फिर से मोटिवेट किया कि तुम्हें एटलीस्ट ब्रोंज मेडल तो मिला है कुछ तो मिला है और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा लास्ट चांस है आगे तुम्हें और भी मौके मिलेंगे तो फ़िलहाल के लिए थैंकफुल रहो जो तुम्हें मिला है उसके लिए खुश रहो माई कोच चार्ल्स सेकेंड इड दैट हिज वर्ड्स टू मैंट अलॉट टू मी ही टोल्ड द मीडिया लेटर आई हैव वॉच दैट मैच सेवरल टाइम्स एंड आई कैन ऑनस्टली से दैट मैरी वॉज द बेटर फाइटर चार्ल्स जो इनके कोच थे उन्होंने भी मेरी कॉम को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करा बिकॉज उनके वर्ड्स भी मेरी कॉम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे उन्होंने मीडिया को बाद में बोला मैंने काफ़ी बार उस मैच को देखा और मेरे हिसाब से तो मैरी कॉम एक ज़्यादा अच्छी फाइटर है एडम्स वन बिकॉज शी फॉर डिफेंसिवली एंड डिड नॉट पिक अ फिजिकल फाइट मैरी प्लेड द इवेंचुअल गोल्ड मेडलिस्ट एंड डिड नॉट गेट अ स्क्रैच ऑन हर दिस वॉज बाम टू माई सोल अब उन्होंने कोच ने मीडिया को बताया कि मैरी ने इवेंचुअल एक पीरियड के पीरियड ऑफ टाइम उसके साथ प्ले करा है एक गोल्ड मेडलिस्ट के साथ फ़ाइट करी है और मैरी कॉम की बॉडी पर एक भी स्क्रैच नहीं था ये एक बहुत बड़ी बात है एक फाइटर ने सामने वाले पर अटैक करा और ख़ुद को हार्म नहीं होने दिया इंजर नहीं होने दिया ये एक अच्छे फाइटर का ही तो तरीका होता है स्टैंडिंग ऑन द पोडियम फॉर द मेडल सेरेमोनी माय हार्ट वाज बर्निंग ऑलमोस्ट बर्स्टिंग विद पेन पोडियम होता है जिसपे फर्स्ट सेकंड, थर्ड लिखा हुआ होता है मेडल्स मिलते हैं तो हम उसी पे खड़े होते हैं तो जब ये पोडियम पे खड़ी थी मेडल सेरेमनी होने वाली थी इनको काफ़ी ज़्यादा दुख था हाउ आई यर्नड फॉर द गोल एंड फॉर द इंडियन नेशनल एंथम टू बी प्लेड यर्नड इज जब आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के बारे में सोचते हो कुछ पाना चाहते हो तो मेरी कॉम को गोल्ड चाहिए था ये चाहती थी जब मैं गोल्ड जीतूंगी तो उस पूरे स्टेडियम में नेशनल एंथम बजेगा इंडिया का लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था आई ट्राई टू स्माइल फॉर ऑल द वर्ल्ड टू सी बट कुड नॉट हेल्प फीलिंग दैट आई हैड लेट डाउन माई कंट्री दुनिया को दिखाने के लिए तो ये स्माइल कर रही थी लेकिन इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को नीचा दिखाया था बट अगेन आई कंसोल्ड माई सेल्फ थिंकिंग दैट आई वुड ट्राई अगेन द नेक्स्ट टाइम इन्होंने ख़ुद को फिर कंसोल किया इन्होंने बोला मैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूँगी द फैक्ट इज़ दैट इट टुक मी डेज टू रियलाइज दैट आई वॉज नाउ एन ओलंपिक मेडलिस्ट एवरी स्पोर्ट्स पर्सनस ड्रीम कुछ टाइम बाद ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मैं एक ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ चाहे ब्रॉन्ज ही सही बहुत से स्पोर्ट्स पर्सनस का तो ये सपना होता है जो मैंने पूरा कर दिखाया था सडनली आई फेल्ट लाइक ऑल द मीडिया अटेंशन वॉज ऑन मी इट वॉज मोर देन आई हैड एक्सपेक्टेड और इमेजनड पॉसिबल अब मेरी कॉम को तो बस यही सैडनेस थी कि उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता लेकिन इंडियंस और मीडिया तो इसलिए खुश हो रहा था कि उन्होंने ओलंपिक्स में ब्रोंस मेडल तो जीता बाद में उन्होंने देखा रियलाइज़ करा सारा मीडिया अटेंशन उन, उन पर है जितना उन्होंने इमेजिन नहीं करा था उससे ज़्यादा मीडिया उनको अटेंशन दे रही थी आफ्टर आई हैड अटेंडेड अ फ्यू ऑफिशियल एंगेजमेंट्स आई रिटर्न टू इंडिया विद ऑनलर एंड अनु एंगेजमेंट्स आर इवेंट्स जो एक पर्सन को अटेंड करने होते हैं तो मेरी कॉम ने कुछ इवेंट्स अटेंड करे और फिर अपने हस्बैंड और मॉम के साथ इंडिया आ गई ऑन द फ्लाइट आई थाट ऑफ द मेनी टाइम्स आई हैव वर्कड आउट लीविंग माई सन्स बिहाइंड होल्डिंग माई चिन अप फ्लाइट में बैठे बैठे ये सोच रही थी कितनी बार ऐसा हुआ था जब इन्होंने अपनी छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़ कर और ये अपना सिर गर्व से ऊपर करके बाहर जा रही थी प्रैक्टिस करने की ये जीत कर वापस आएंगी माई रिलेटिवस वॉचिंग विथ टीयर्स इंड देयर आइज़ वुड नॉट हैव सस्पेक्टेड दट माई हार्ट वॉज ब्रेकिंग टू इनके जो रिश्तेदार थे उनको लगता होगा कि शायद इसको बिल्कुल भी दया नहीं आती अपने बच्चों को छोड़कर जा रही है लेकिन मेरी कॉम को भी तो बुरा लगता था उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने बच्चों को पीछे छोड़ा इसका दुख उनको भी था इट वॉज़ वर्थ द सेक्रीफाइस दो फॉर आई वॉज़ रिटर्निंग विद एन ओलम्पिक मेडल लेकिन शायद आज वो जो सेक्रीफाइस उन्होंने दिया अपने बच्चों से दूर रहीं वो आज पूरा हो जाता है उस मेडल पर ओलंपिक मेडल पे अगर शायद वो ओलंपिक मेडल नहीं जीतती तो उन्हें ज़्यादा बुरा लगता लेकिन एटलीस्ट वो एक ओलंपिक मेडल के साथ वापस आ रही थी तो जो भी सैक्रीफाइस उन्होंने किए थे वो उन्हें वर्थ इट के सम डे माई बॉयज़ विल बी ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड एंड आई होप दे विल बी प्राउड ऑफ मी जब इनके बच्चे बड़े होंगे तो शायद वो इस चीज़ को समझेंगे और इनके ऊपर उन्हें भी प्राउड होगा दिस वॉज़ एम सी मेरी कॉम आई होप यू अंडस्टेड इट इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन ऑलवेज़ राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इफ यू वॉन्ट अ कॉन्टैक्ट मी माई ई मेल आई डी इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग